ईसाई धर्म, ईसाइत या मसीहा धर्म। नसरत के यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक इब्राहिमी एकेश्वरी धर्म है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे व्यापक धर्म है, जिसके लगभग 2.4 अरब यूनानी वैश्विक जनसंख्या का एक तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुमान के अनुसार इसके अनुयायी, जिन्हें ईसाई का मसीहा कहा जाता है, 157 देशों और क्षेत्रों में आबादी के बहुसंख्यक है और यह मानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, जिनकी मसीहा के रूप में भविष्यवाणी हिब्रू बाइबल में की गई थी। बाइबल के नए नियमों में इसका वर्णन किया गया। यह विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है जो प्राचीन यहूदी परंपराओं से निकला है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फिलिपस्तानी में हुई है और आज इसके मुख्य तीन संप्रदाय है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पूर्वी रोटियावादी चर्च। ईसाई के धर्म स्थल को गिरिधर कहा जाता है। ईसाई धर्म अपनी पश्चिमी और पूर्वी शाखाओं में सांस्कृतिक रूप से विविध है और उधर की आवचोतिया और प्राकृतिक कालीशास्त्रा पुरोहिताभिषेक और मसीहा शास्त्रा के संबंध में सांस्कृतिक रूप से विविध है। विविध ईसाई संप्रदायों के धर्मसार आमतौर पर यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में मानते हैं। लोगास का अवतारी रूप, जिन्होंने सेवा का ही पीड़ा उठाया और क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मानव जाति के उद्धार के लिए मृतक से पुनः जी उठे, जिसे कहा जाता है सुषमाचार या गोस्पेल, जिसका अर्थ है अच्छी खबर। यीशु के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन मत्ती, मरकुस, लुका और यहूदा के चार विविध सुषमाचारों में किया गया है, जिसमें पुराने नियमों को सुषमाचार की सम्माति पृष्ठभूमि के रूप में दर्शाया गया है। ईसाई धर्म यीशु के जन्म के बाद पहली शताब्दी में यहूदी के रोमन प्रांत में हेलेनाई प्रभाव वाले एक यहूदी संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ। बड़ी मात्रा में उत्पीड़न के बावजूद यीशु के शिक्षकों ने पूर्वी भूमसागरीय क्षेत्र में अपनी आस्था फैलाई। अन्य जाति और गैर यहूदियों को शामिल करने से ईसाई धर्म धीरे धीरे यहूदी परंपरा से अलग हो गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन महान ने मिलने के राजदेश द्वारा रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को अपरमुक्त कर दिया। बाद में निकिया परिषद बुलाई गई और जहां पारंपरिक ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के चर्चा में संकेत किया गया। पूर्व की क्लीसिया और पंचीय रोटियावाद दोनों मसीहास्त्र में मतभेदों के कारण अलग हो गए, जबकि पूर्वी रोटियावादी कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया पूर्व पश्चिम विच्छेद है। धर्मानुसार युग में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्चा के कई संप्रदायों में विभाजित हो गया। खोज के युग का अनुसरण धर्म प्रचार कार्य व्यापक और उपनिषिवत के माध्यम से ईसाई धर्म का दुनिया भर में विस्तार हुआ। ईसाई धर्म ने पश्चात सभ्यता के विकास में विशेष रूप से यूरोप में प्राचीन काल और मध्य युग से एक प्रमुख भूमिका निभाई। ईसाई धर्म की छह प्रमुख शाखाएं हैं: रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूर्वी रूठियावादी, पक्षीय रूठियावादी, पुनस्थापनावाद और पूर्व की कलीसिया। प्रयासों के बावजूद छोटे चर्चा समुदाय की संख्या हजारों में है। पश्चिम में ईसाई धर्म पालन में गिरावट के बावजूद भी यह वह का प्रमुख धर्म बना हुआ है, जिसकी लगभग 70% आबादी ईसाई के रूप में स्वयं की पहचान रखती है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले महाद्वीप अफ्रीका और एशिया में ईसाई धर्म बढ़ रहा है। ईसाइयों को दुनिया के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया व भारत में बहुत उत्पीड़ित जाता है। इस पद की मान्यता यह है कि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते उसकी प्रतिमा कैसे बना सकते हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कभी कभी भी शारीरिक आंखों से नहीं देखा, पर परमेश्वर ने मानव जाति पर अपनी प्रेम स्थिति प्रकट की कि उसने मनुष्य रूप धारण किया। वह परक्रमी परमेश्वर जिसने काल समय और मनुष्य को बनाया, वह खुद अपने काल समय में सिमट कर आए ताकि मानव जाति उसके द्वारा अपने पापों को छुटकारा पा सके। चौथी सदी तक वह पंथ किसी क्रांति की तरह फैला, किंतु इसके बाद ईसाई पंथ में आध्यात्मिक कम कांडों की वादनता तथा पंथ साथ ने दुनिया को अंधकार युग में धकेल दिया था। फलस्वरूप पूर्ण जागरण के बाद में इसमें रीति रिवाजों के बजाय आध्यात्मिक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया गया।